हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीबीसीसी जॉब्स। आज की जो नौकरी है वो आ रही है द सोसाइटी ऑफ स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हरदी बाजार डिस्ट्रिक्ट कोरबा छत्तीसगढ़ की तरफ से। तो दोस्तों वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ पे जाकर रिक्वायरमेंट भी चेक कर सकते हैं www.korba.gov.in। इसके साथ बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने सारे पोस्ट अवेलेबल हैं। तो पहला देख सकते हैं आप लेक्चरर का है, 10 पोस्ट अवेलेबल हैं। और जो कैटेगरी है उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के लेक्चरर बनने का यहाँ पोस्ट अवेलेबल है, वो पहला हिंदी के लिए एक, इंग्लिश के लिए एक, संस्कृत के लिए एक, मैथमेटिक्स के लिए एक, फिजिक्स के लिए एक, केमिस्ट्री के लिए एक, बायोलॉजी के लिए एक, सोशल स्टडीज़ के लिए एक एंड कॉमर्स के लिए 2। इसी के साथ हेड मास्टर मिडिल स्कूल का भी पोस्ट एक अवेलेबल है, साथ ही साथ टीचर का भी 5 पोस्ट अवेलेबल है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 1 टीचर, मैथमेटिक्स के लिए 1, साइंस के लिए 1, सोशल स्टडीज़ के लिए 1 और कंप्यूटर टीचर 1। इसी के साथ हेड मास्टर प्राइमरी के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है, असिस्टेंट टीचर के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ के लिए 1-1 टीचर की रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ PTI के लिए 1, लाइब्रेरियन के लिए 1, लैब अटेंडेंस के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए 1-1 लैब अटेंडेंट की ज़रूरत है। इसी के साथ देखेंगे तो असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है, इसी के साथ असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल हैं। और वाइस प्रिंसिपल के लिए कैटेगरी बी में जो है वाइस प्रिंसिपल के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है, टीचर के लिए जो है 2 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड म्यूजिक, इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए 1-1 टीचर की रिक्वायरमेंट है। चलिए आ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस में एप्लीकेशन के लिए। द एप्लीकेशन कैन बी अप्लाई ऑनलाइन एट, आपको यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा www.sseekorba.com पे 21 सितंबर से पहले। 21 सितंबर से पहले आपको sseekorba.com पे जाके अप्लाई करना होगा इसके लिए। कैंडिडेट का जो एज है वो 21 वर्ष से 35 वर्ष और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है रिलैक्सेशन मिलता है वो ज़रूरी रहेगा। और जो बर्थ डेट काउंट किया जाएगा वो 10th के रिजल्ट पे, जो भी सर्टिफिकेट पे बर्थ डेट होगा उस पर काउंट किया जाएगा। इसके साथ बाकी जितने भी आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनको आपको अपने साथ रखना है, उनकी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पास हो जाएंगे उनको जो है 15 दिन के ज्वाइनिंग के अंदर ही अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी इनके पास सबमिट करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 स्टेज पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगा उस पे आपका जो है नाम शो हो जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.korba.gov.in पे, वहाँ पे आप अपना नाम देख पाएंगे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया की। सबसे पहले देखिए है एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो आपके पास गवर्नमेंट स्कूल या आधे जो गवर्नमेंट और आधे प्राइवेट स्कूल होते हैं वैसे स्कूल, या फिर प्राइवेट स्कूल में भी आपके पास इंग्लिश मीडियम अगर प्राइवेट स्कूल में वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपके लिए यहाँ जो है मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, इस हिसाब से आपको अलग अलग मार्क्स मिलेंगे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। 2 साल का एक्सपीरियंस तो आपको 6 मार्क्स मिलेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस 7 मार्क्स मिलेगा, 4 साल का एक्सपीरियंस तो आपको 8, और 5 से ज़्यादा का अगर एक्सपीरियंस आपके पास तो 10 मार्क्स मिलेगा। इसी के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ईच पोस्ट बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो यहाँ पे जो भी देखिए भर्ती हो रही है वो मार्क्स के बेसिस पे हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं जैसा आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उस हिसाब से आपको मार्क्स भी यहाँ पे मिलेंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी एक नए वीडियो के साथ।